रामायण की चर्चा हर तरफ है। हालांकि लोग आज भी 36 साल पुरानी रामायण का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। शो में अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया, सुनील लहरी, अरविंद त्रिवेदी और दारा सिंह अहम किरदारों में नजर आए थे। वही शो को रामानंद सागर ने क्रिएट किया था। इस सीरियल के केवल 78 एपिसोड थे, जिसे आज भी लोग टीवी पर देखकर सिर झुका लेते हैं। पर क्या आप जानते हैं ये शो कितने बजट में बना था और स्टार कास्ट की फीस कितनी थी? अगर आप नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं। बढ़िया खबर में आपका स्वागत है दोस्तों। साल 1987 से 1988 तक चला ये टीवी शो 77 मिलियन व्यूअरशिप के साथ 16 अप्रैल 2020 को दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी शो बन गया। हालांकि ये हैरानी की बात नहीं है, वहीं इस शो के एक एपिसोड को बनाने में 9 लाख रुपए की रकम लगी थी, जिसके अनुसार 78 एपिसोड के हिसाब से 702 करोड़ रुपए उस समय लगाए गए थे। वहीं बीबीसी के अनुसार इस धारावाहिक को 650 मिलियन से अधिक दर्शकों ने देखा है, जबकि इस सीरीज के प्रत्येक एपिसोड ने कथित तौर पर डीडी नेशनल को 40 लाख रुपए की कमाई दी थी। गौरतलब है कि पौराणिक सीरीज रामायण के पहले एपिसोड की शूटिंग में 15 दिन से ज्यादा का वक्त लगा था, जबकि पूरे एपिसोड 550 दिनों में शूट किए गए थे। शो का सेट गुजरात राज्य के शहर उमरगांव में था। इतना ही नहीं, साल 2003 में लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में रामायण का नाम दर्ज है, जिसे 55 अलग देशों में टेलीकास्ट किया गया है। वहीं फीस की बात करें तो श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने इस पूरे शो के लिए 40 लाख रुपए की रकम ली थी, जबकि दारा सिंह को हनुमान के रोल के लिए 35 लाख रुपए की रकम दी गई थी। लंकेश का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी को 30 लाख रुपए पूरे शो के लिए दिए गए थे। वहीं सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया को 20 लाख रुपए की रकम मिली थी। वहीं लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी को 15 से 18 लाख रुपए की फीस मिली थी। तो ये थे 36 साल पुरानी रामायण के फैक्ट, जिनके बारे में आप नहीं जानते थे। वैसे रामायण में आपको किसका किरदार सबसे ज्यादा अच्छा लगा था, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताना।